सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू व्लॉग। तो अब मैं बताता हूँ परसों क्या हुआ था मेरे साथ। मतलब इतना ही इतना बुरा चीज़ हुआ है ना मेरे साथ। मतलब मेरे को एक हार्ट अटैक आ गया था छोटा वाला। तो वो बताने के पहले मैं बताता हूँ, Duke 390 का व्यू जो अपना मैं अभी जस्ट देख रहा था PC में, तो जो Duke 390 का वीडियो यार, मतलब मैं बस उसमें Duke 390 चलाया था लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन हाँ अच्छा व्यूज़ आया उस पर। तो अच्छा व्यूज़ आया यानी कि उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनेगी। अब उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो मैं बनाऊंगा, आज नहीं होगा कल या परसों में तो वो बनाएंगे। और इस संडे को एक बहुत ही धमाका चीज़ आने वाला है भाई, जिसके बारे में आप लोग गेस कर सकते हो तो गेस करो, और अगर नहीं कर सकते तो भी गेस करो कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करना कि क्या करना है। तो ठीक है गैस, तो अब बताता हूँ मैं क्या हुआ। कल रात को जब मैं आया जॉब से घर आया, तो मेरे को याद आया कि हाँ मेरे पास एक हार्ड डिस्क पड़ी है। तो मैं अपने हार्ड डिस्क को मैं सोचा कि अपने PC में डाल देता हूँ, साटा केबल है ही मेरे पास। तो मैंने अपना मदरबोर्ड के डिब्बे से नया वाली साटा केबल निकाला। साटा केबल किसको बोलते हैं यार, अगर मेरे पास पड़ी हो तो मैं दिखाता हूँ निकाल के। तो गाइस ये देखो साटा केबल, साटा केबल इसको बोलते हैं। ये साटा केबल मदरबोर्ड के साथ मिलती है, तो ये मुझको मिल, मैंने इसको पैकेट को निकाला। इसमें दो ठो मिलता है, एक ठो मैंने यूज़ किया फाड़ के, मैंने इसको निकाला ठीक है। और फिर उसके बाद मैं अपने हार्ड डिस्क, मैं अपना पूरा PC खोला, दोनों साइड का पैनल, अपना पीछे से स्क्रू रहता है उसके, उसको घुमाएंगे तो वो खुल जाता है। तो दोनों मैंने खोला स्क्रू को, पूरा PC मैंने खोला बाहर, यहाँ नीचे रखा, और उसके अंदर अपनी हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करी। जो अपनी हार्ड ड्राइव थी ना, मेरे पास थी एक हार्ड ड्राइव, अच्छा खासा स्टोरेज है उसमें, मतलब 700 GB समथिंग की है। तो उसको मैंने इंस्टॉल किया, वेस्टर्न डिजिटल ब्लू, अच्छी कंपनी की है। तो उसको मैंने ना इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद भाई साहब जो मेरे को हार्ट अटैक आया ना, क्या हुआ कि ऐसे मेरा जो PC है उस पर डिस्प्ले आ जाता है, ऐसे ऑन किया जस्ट में फटाक से डिस्प्ले आ जाता है। ज़्यादा नहीं 3 सेकेंड लगता होगा मुझको, मेरा PC ऑन होने में सिर्फ 3 सेकेंड लगता है। तो वैसे ही मेरा ये ऑन हो गया, PC अपना ऑन हुआ, पंखे ऑन हुए, कीबोर्ड और माउस पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, डिस्प्ले भी नहीं आ रही थी, मतलब डिस्प्ले में कोई आउटपुट नहीं आ रहा था। तो यानी कि इतना तो पक्का था कि ग्राफिक कार्ड वगैरह में कुछ दिक्कत है, और ग्राफिक कार्ड मैं रिसेंटली लिया हूँ। तो मैं मतलब पहले तो खुद से किया, बहुत चीज़ें ट्राई किया जितना मेरे को आता है PC नॉलेज में। फिर मैंने दो यूट्यूबर्स को कॉल किया जिनका PC टेक रिलेटेड है चैनल। तो वो दो में दो लोग थे, एक अपना इंडियन कम्युनिटी टेक, टेक कम्युनिटी इंडिया, हाँ। तो विवेक भाई को मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि रैम को निकाल के इरेजर से मिटा, उसको उसकी जो गोल्ड प्लेट्स रहती है उसको इरेज करके और GPU को निकाल के फिर से लगाओ और फिर चालू करो तो चालू हो जाएगा। तो मैंने चालू किया, फिर उसके बाद ना, और तब तक मैं हार्ड ड्राइव भी निकाल दिया था, मेरे को लगा कि कुछ इसकी वजह से हुआ है बोल के, क्योंकि मेरे हार्ड ड्राइव में बहुत पुराना था तो शायद वायरस वगैरह पड़ा हुआ था उसमें। तो मैंने वो चीज़ किया, नहीं आया डिस्प्ले। फिर मैंने शाकिया को कॉल किया, शाकिया YT है जो, तो उसको कॉल करने के बाद मैं बोला भाई ऐसा ऐसा दिक्कत आ रहा है, कैसे करते हैं फिर इसको। तो वो बोला कि भाई एक काम कर, सेम चीज़ GPU और रैम को निकाल के इरेजर से मिटा के फिर लगाना, और लेकिन HDMI केबल में थोड़ा देख लेना, कभी कभी HDMI केबल ख़राब निकलती है इसलिए डिस्प्ले नहीं आता है। मैं बोला ठीक है, क्योंकि GPU मेरा चल रहा है, GPU के पंखे चल रहे थे। तो मैंने फिर ना वैसे ही किया, और पीछे से GPU का जो अपने HDMI जो पोर्ट रहता है ना GPU में, उसको मैंने हल्का सा हिलाया ना तो मेरे डिस्प्ले आ गया। तो भाई मेरे को राहत मिली कि हाश मेरा PC को कुछ नहीं हुआ अभी तक, नहीं तो पता चल रहा है अभी अभी बना है, अभी अभी ख़राब हो गया। तो हार्ट अटैक मेरा फिर ख़त्म हुआ। फिर मैं शाखा कॉल किया, मैं बोला कि भाई आ गया मेरा डिस्प्ले, HDMI केबल का दिक्कत था तो HDMI केबल मैंने बदल दिया। तो HDMI केबल अपना सही हो गया है और अभी कोई दिक्कत नहीं है PC में, PC अपना एकदम सही है। तो Duke 390 का वीडियो आने वाला है, और अगर किसी का भी PC को अगर कुछ होना, मतलब कुछ होता है, चाहे कुछ दिक्कत दिक्कत आता है किसी का PC में, तो मेरे को DM कर देना इंस्टाग्राम पे। अगर मेरे बस की रहेगी तो मैं वो चीज़ कर दूंगा, बता दूंगा सॉल्यूशन, मेरे बस की नहीं रहेगी तो मैं अपने दूसरे दोस्तों को लाइनअप करा दूंगा, जिससे आप लोग को भी हार्ट अटैक ना आए मेरे जैसे। तो चलो वैसे ब्लॉग छोटा था, और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया कि कैसे मैंने सही किया।
उन लोग के बताने के पहले तो मैंने सारे सॉकेट चेक कर लिए थे कि सारे टाइट कनेक्शन है, और अपना जीपीयू को निकाल के लगा चुका था एक बार, रैम को नहीं निकाला था मगर। तो ठीक है गाइस, मेरे को जितना हेल्प हो सकेगा मैं कर दूंगा। मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन आज मिली तो मैं सोचा शेयर करनी चाहिए, अच्छा इन्फॉर्मेशन था। तो ठीक है गाइस, संडे के लिए रेडी रहना, संडे को मेरी छुट्टी है और मैं भाई बहुत तबाही चीज़ लाने वाला हूँ, और सैटरडे को भी। तो उसके लिए ज़रा वेट करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा और शायद सैटरडे और संडे तक थोड़ा सा मतलब छोटा व्लॉग्स आए। तो चलो गाइस, तब तक ले बाय बाय, और लाइक से सब्सक्राइब कर देना, बोला ना पड़े।